अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, मैं प्रोफेसर शबीर खट्टर बोल रहा हूँ जी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है विटामिन डी की कमी, विटामिन डी डिफिशेंसी। सबसे पहले मैं इस बात पर रोशनी डालूँगा कि विटामिन डी डिफिशेंसी हमारे लोगों में क्यों कॉमन है। तो उसकी मेन वजह लोगों की इलम की कमी है। लोगों को पता नहीं है कि विटामिन डी डिफिशेंसी क्यों होती है और उस कमी को कैसे पूरी की जाती है। नंबर दो वजह जो है ना, रीज़न नंबर टू है पॉवर्टी, गुर्बत। हमारे ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉपर खुराक मिलना आजकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया ड्यू टू हाई रेट्स ऑफ कमोडिटीज़। इसी वजह से हमारे लोगों में विटामिन डी डिफिशेंसी बहुत कॉमन है। विटामिन डी डिफिशेंसी की सिम्टम्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है पेशेंट्स को, तो मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, उनको हड्डियों की दर्द है। और जब हम उसकी चेक कर लेते हैं कैल्शियम अल्कलाइन फॉस्फेटेज और विटामिन डी लेवल, तो वो कम होती है। बच्चों में हड्डियाँ नरम हो जाती है और इसकी वजह से वो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। अगर उसके बर वक्त ट्रीटमेंट न की जाए तो फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो बगैर सर्जरी के फिर ठीक नहीं होता। तो विटामिन डी डिफिशेंसी को अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतरीन है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा डाइट में भी दूध, मक्खन, गोश्त, अंडा, दीज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा मार्केट में टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मिलती है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, वन कैन टेक इट। तो अगर इन मशवरों पे अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में किसी को विटामिन डी की डिफिशेंसी या कमी की वो शिकायत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम।